मध्य प्रदेश के मुरैना से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई, जहां रेत का अवैध खनन करने वाले गिरोह से जुड़े कुछ लोगों ने वन विभाग की टीम पर हमला करने की कोशिश की। इस घटना से ठीक पहले वहां उन लोगों ने रेत से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भागने की कोशिश की, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए अपनी गाड़ी उनके पीछे दौड़ा दी। बिल्कुल बताया गया कि इसी दौरान वहां एक दूसरी ट्रैक्टर ट्रॉली से वन विभाग की टीम को कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन इस कोशिश में वो ट्रॉली पलट गई। घटना की खबर मिलते ही पुलिस वहां पहुंच गई और उस ट्रॉली को अपने कब्जे में ले लिया। बीच सड़क पर हुई इस घटना की वजह से वहां काफी लंबा जैम लग गया, जिसे बाद में पुलिस ने खुलवा दिया। दिल्ली के पास हरियाणा के फरीदाबाद से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। कोरोना संकट में अपनी बेटी की शादी कर रहे एक परिवार ने मेहमानों को न्योता देने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला। उनकी बेटी की शादी अगले महीने 1 जुलाई को है, जिसमें मेहमानों को बुलाने के लिए उन्होंने शादी के कार्ड की जगह सैनिटाइजर की बोतलों का इस्तेमाल किया। इस परिवार ने सैनिटाइजर की बोतल पर शादी के कार्यक्रमों और वेन्यू से जुड़ी सारी जानकारियां छपवा दी। यहां तक कि दूल्हा दुल्हन की तस्वीर भी उस पर छपी दिखाई दी। बोतलों के अलावा उसकी पैकिंग का भी काफी अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया। ऐसा उन्होंने कोरोना से बिगड़े हालात को देखते हुए किया। इतना ही नहीं, उन्होंने शादी के न्योते के साथ लोगों को मिठाई की जगह मास्क बांटने की भी ठानी है, ताकि महामारी के दौर में किसी भी तरह की कोताही ना बरती जाए। सैनिटाइजर सब बहुत फ्रीक्वेंट यूज होते हैं, तो यूजुअली ये पहुंच रहे हैं उनके पास, तो ये यूजफुल चीज है, तो अब ये वेस्टेज नहीं है, मास्क भी जरूरी है। बिहार के कई इलाकों में बारिश थमने के बाद नदियों के उफान ने लोगों को मुश्किलों में डाल दिया। भागलपुर में तो गंगा नदी के किनारे बसे कुछ गांवों के लोग तेज बहाव को देखकर सहम गए, क्योंकि वहां पिछले कुछ दिनों के अंदर ही नदी के तेज बहाव में किनारे की बहुत सारी मिट्टी कट चुकी है। इतना ही नहीं, 3 साल पहले वहां सीमेंट की जो सड़कें बनाई गई थीं, उसका एक बड़ा हिस्सा भी नदी में समा गया। बोल दे गंगा माई की जय, आधे रोड टूट गया भाई। लोगों ने चिंता जताई कि किनारे की मिट्टी को काटते हुए नदी का पानी उनके गांवों में भी घुस सकता है। अब किस रास्ते से जाएगा ये गांव वाले को पता नहीं है। नवादा में भी नदियों के उफान पर आने से कई रास्ते टूट गए। वहां के एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में एक रास्ते पर पानी सैलाब की तरह बहता नजर आया। बताया गया कि इस रास्ते के टूटने से वहां के कई गांवों का आपस में संपर्क कट गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। वहां के घोघरा वाटरफॉल के पास पिकनिक मनाने गया एक परिवार पानी की तेज लहरों के बीच फंस गया। बाद में इस परिवार के सभी 12 सदस्यों को बचा लिया गया, जिसके लिए प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जो बेहद मुश्किल था, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये ऑपरेशन मुश्किल इसलिए था क्योंकि इस वाटरफॉल में अचानक पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि इस परिवार के लोगों की जान खतरे में पड़ गई। बताया गया कि जब वो वाटरफॉल के पास एक ऊंची जगह पर पहुंचे थे, उस समय वहां पर पानी काफी कम था। यूपी के चंदौली से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोगों ने खाने के पैसे देने पर हुए विवाद में एक ढाबे में घुसकर तोड़फोड़ की। आरोप है कि हमलावरों में इलाके के बीजेपी नेता चरण सिंह का बेटा भी था। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ लोग रात के अंधेरे में ढाबे को निशाना बनाते दिखे। इससे पहले कुछ हमलावर वहां आए और ढाबे के अंदर दाखिल हो गए। इन लोगों ने ढाबे में घुसते ही डंडों से तोड़फोड़ शुरू कर दी। एक लड़का वहां रखी कुर्सियों को टेबल पर पटकने लगा, तो उसके एक साथी ने डंडों से पीटकर कुछ कुर्सियों को तोड़ दिया। थोड़ी देर तक हंगामा करने के बाद ये सभी लोग वहां से फरार हो गए। वारदात के बाद की भी कुछ तस्वीरें सामने आईं। उनमें एक तस्वीर में दिखा कि फूलों के गमले हों या फिर ढाबे का काउंटर, सब कुछ तहस नहस कर दिया गया। उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। बताया गया कि ये लोग पहले भी कई ढाबों में इस तरह की हरकत कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक गांव में अजगर के घुसने से हड़कंप मच गया। वहां के लोगों ने उसे बड़ी मुश्किल से पकड़ा। वो अजगर 10 फीट लंबा बताया गया, जिसने उस गांव के लोगों को दहशत से भर दिया। जैसे तैसे उन लोगों ने हिम्मत जुटाई और उसे पकड़ने की कोशिश में जुट गए। कई लोगों ने उसे घेर लिया। एक शख्स ने उसे बोरे में भरने की जद्दोजहद करने की कोशिश की और उसकी मदद के लिए एक दूसरा आदमी भी सामने आया, जिसने एक डंडे की मदद से उस अजगर को बोरे की तरफ ले जाने की कोशिश की। काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा और आखिरकार गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और बाद में वन विभाग के कर्मचारियों को बुलाया गया, जो उसे अपने साथ ले गए। एलोपैथी के खिलाफ दिए गए बयान से जुड़े मामले में योग गुरु रामदेव सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए।
योग गुरु बाबा रामदेव ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और अपने खिलाफ अलग अलग राज्यों में दर्ज FIR को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की। पिछले महीने रामदेव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने एलोपैथी को बेकार साइंस बताया था। हालांकि विवाद बढ़ने पर उन्होंने अपना यह बयान वापस ले लिया था। इसी मामले में उनके खिलाफ पटना और रायपुर में केस दर्ज किया गया था। ICC की टेस्ट रैंकिंग में रविंद्र जाडेजा नंबर एक ऑलराउंडर बन गए। उन्होंने वेस्टइंडीज के क्रिकेटर जेसन होल्डर को पछाड़ा। दिल्ली में अनलॉक के बाद यात्री गाड़ियों में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बस, ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा में तय क्षमता से ज्यादा लोग सफर करते दिखाई दिए, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी तरह अनदेखी हुई। कई लोग तो बिना मास्क के ही सड़कों पर घूमते नजर आए। तीसरी लहर है उसको बुलावा दिया जा रहा है, जो नियम बनाए हैं सरकार ने उसका बिल्कुल पालन नहीं हो रहा है। हैरानी की बात ये रही कि कई जगहों पर ट्रैफिक पुलिस के सामने ही कोरोना नियमों का मजाक बनाया गया। वहीं लापरवाही बरतने वाले लोगों के पास बहानों की भी कमी नहीं थी। दो लोगों की बजाय इतने सारे क्यों बिठा रहे हो भाई? काम नहीं है, बिठाना पड़ता है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने दो जगहों पर छापेमारी की और अवैध तरीके से चलाए जा रहे कॉल सेंटरों का पर्दाफाश किया। राजस्थान हाईकोर्ट में अब वकील अदालत में मौजूद रहकर मामलों की पैरवी कर सकेंगे। हालांकि अभी कोरोना वैक्सीन लगवा चुके वकीलों को ही इसकी इजाजत दी गई। दक्षिण अमेरिका के देश पेरू में रात के वक्त रिक्टर स्केल पर 5.8 की तीव्रता का ऐसा भूकंप आया कि लोगों की नींद उड़ गई। पेरू पूरी दुनिया में भूकंपों और ज्वालामुखी विस्फोट के लिहाज से प्रशांत महासागर के सबसे खतरनाक इलाके रिंग ऑफ फायर के दायरे में आता है, इसलिए वहां अक्सर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। और उसी कड़ी में राजधानी लीमा भूकंप से दहल उठी। जिस वक्त भूकंप आया तब एक टीवी चैनल पर डिबेट चल रही थी, लेकिन तभी धरती ऐसे कांपी कि एंकर और गेस्ट डर के मारे थरथर कांपने लगे। कालमा कालमा मांटेगा ला कालमा इन एस्टे मोमेंटो से एस्टा प्रोड्यूसिंदो उन सिस्मो। जलजला इतना जोरदार था कि चैनल की बिल्डिंग पर लगा कैमरा भी डोलने लगा और उसमें सामने सड़क की जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई उनमें सब कुछ हिलता दिखा। लोग भी नींद छोड़कर अपने घरों से भाग खड़े हुए। भूकंप की दहशत इतनी थी कि वो घरों में घुसने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे। हालांकि पेरू में भूकंप से जान और माल के नुकसान की खबरें नहीं है। जयपुर में गहलोत समर्थक निर्दलीय विधायकों में फूट पड़ने की खबर है। वहां के एक होटल में गहलोत समर्थक कहे जाने वाले G19 विधायकों की बैठक हो रही थी, लेकिन BSP से कांग्रेस में आए राजेंद्र गुड़ा के बैठक में आने पर 5 निर्दलीय विधायक नाराज हो गए और गाड़ी से नीचे उतरे नहीं और गेट से ही लौट गए, जिसके बाद बैठक के आयोजक निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा होटल से बाहर आए और अपनी गाड़ी में सवार होकर नाराज विधायकों को मनाने चले गए। कुछ विधायक नाराज हो गए, इस वजह से अब देख सकते हैं कि संयम लोढ़ा जो बैठक का आयोजक है वो उनको मनाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन राजेंद्र गुड़ा ने निर्दलीय विधायकों की नाराजगी पर खुलकर नहीं कहा और सर्किट हाउस रवाना हो गए, क्योंकि विवाद के बाद बैठक सर्किट हाउस में हुई। संयम जी को मनाने के लिए जाना पड़ा उनको, ऐसा क्या हो गया? मुझे पता नहीं संयम जी को मनाने के लिए जाना पड़ा या मुझे तो ये बात आप बता रहे हो। पश्चिम बंगाल के बीरभूम और हुगली में सैकड़ों BJP कार्यकर्ताओं ने TMC का दामन थाम लिया। बताया गया कि ये सभी लोग विधानसभा चुनाव से पहले BJP में शामिल हो गए थे, लेकिन BJP में शामिल होने को अपनी गलती बताते हुए सभी लोग TMC में लौट गए। TMC में शामिल होने से पहले कुछ लोगों ने तुलसी और धान के पौधों को हाथ में लेकर शपथ भी ली। दावा किया गया कि बीरभूम में 4000 से ज्यादा कार्यकर्ता BJP को छोड़कर TMC में शामिल हुए। BJP एक सांप्रदायिक दल, BJP को पश्चिम बंगला नेतृत्व नहीं। हुगली में भी TMC सांसद अपरूपा पोद्दार की अगुवाई में कई लोगों ने TMC का दामन थामा। उनमें कुछ लोगों ने चुनाव से पहले BJP में शामिल होने को अपनी गलती बताया और सिर मुंडवाकर प्रायश्चित किया। TMC ने दावा किया कि हुगली में भी उसने सैकड़ों लोगों को BJP से TMC में शामिल करवाया। यूक्रेन से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई है। वहां के ओडेसा शहर में समंदर के किनारे एक छोटी पहाड़ी खिसकने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि वहां मिट्टी के मलबे में कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिनकी तलाश में बचाव कर्मी और पुलिस कर्मियों की टीम सुबह शाम लगी हुई है। आपको बता दें, समंदर किनारे छिड़े बचाव अभियान के दौरान खुदाई करने वाली मशीन से लेकर बचाव कर्मी तक मलबा हटाने के काम में जुटे नजर आए, लेकिन मलबे का ढेर इतना ज्यादा है कि फिलहाल उनको कोई कामयाबी नहीं मिली है। जम्मू कश्मीर के सियासी पार्टियों और प्रधानमंत्री की बैठक से पहले महबूबा मुफ्ती के खिलाफ प्रदर्शन होने लगा।
एक दिन पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान से बातचीत का अपना पुराना राग अलापा था, जिसके बाद जम्मू में अलग अलग संगठन सड़कों पर उतर आए और महबूबा मुफ्ती के पाकिस्तान राग पर अपना गुस्सा जताने लगे। बजरंग दल ने तो जम्मू में महबूबा का पुतला भी जलाया। लोगों में नाराजगी है और कई संगठन जहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने उनके खिलाफ खूब नारे लगाए। प्रधानमंत्री की बैठक से पहले ही गुपकार गठबंधन में शामिल पार्टियों ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है और उनकी तैयारी है कि वो जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के मुद्दे को जोर शोर से उठाएं। जिस दिन से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा है, वहां की सियासत करने वाली पार्टियों की नींद उड़ गई है। वो न केवल इस बात का विरोध कर रही हैं, बल्कि महबूबा ने पाकिस्तान से बात का जिक्र करके कई संगठनों को भड़का दिया और वो उनके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। इस मामले में डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ता भी आग बबूला हो गए। उन्होंने भी जम्मू में महबूबा के बयान का विरोध किया और गुस्से में आकर उनके पोस्टर जलाए। यही नहीं, डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर के जरिए महबूबा को पाकिस्तान भेजने की मांग तक कर डाली। श्रीमान प्रधानमंत्री जी, इसको दिल्ली मत बुलाओ, इसको पाकिस्तान भेजो, जो पाकिस्तान की बात करता है। इन लोगों का गुस्सा केवल महबूबा मुफ्ती पर ही नहीं बल्कि पूरे गुपकार गठबंधन पर है और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि पीएम के साथ बैठक में वो देश हित की कोई बात नहीं करेंगे। महबूबा मुफ्ती और गुपकार गठबंधन का विरोध करने वालों की लिस्ट में भीम सिंह की पैंथर्स पार्टी भी शामिल है, जिसको इस बात पर आपत्ति है कि पीएम ने बैठक में गुपकार गठबंधन को बुलाया ही क्यों। उन्होंने नारे लगाकर ये बात जाहिर भी की। बैठक में जम्मू की पार्टियों को नजरअंदाज करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। साथ ही उन्होंने ये मांग की कि बैठक में राष्ट्रवादी पार्टियों को बुलाया जाना चाहिए, न कि अलगाववाद का समर्थन करने वाली पार्टियों को। तरजीह जो है वो उन लोगों को दी जाती है जो पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले हों। एक तरफ विरोध हो रहा है तो वहीं दूसरी ओर पीएम से मिलने से पहले गुपकार गठबंधन के नेता ताबड़तोड़ बैठकें करते नजर आए, जिसे ये संकेत मिलने लगे कि वो बैठक में जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग दोहराएंगे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के करीब 2 साल बाद ये बैठक हो रही है, जिसे राजनीतिक गतिरोध खत्म करने के लिए केंद्र की बड़ी पहल माना जा रहा है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों को 14 प्रतिनिधियों को बुलाया गया, उनके जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला समेत पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद जैसे नेता शामिल हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर बीजेपी के निर्मल सिंह और पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह समेत लेफ्ट और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेताओं को भी न्योता मिला है। माना जा रहा है कि बैठक में जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने और विधानसभा चुनाव कराने के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के उधमपुर से, जहां एक मकान में सिलेंडर ब्लास्ट की खबर आ रही है। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद 2 मकान बुरी तरह से आग की चपेट में आ गए, जिसमें एक परिवार के 9 सदस्य बुरी तरह से झुलस गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयंकर। आनंद फानंद में घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टर और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की वजह से वहां इलाज नहीं हो पाया और एम्बुलेंस नहीं होने की वजह से घायलों को एक निजी बस में उधमपुर के जिला अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और सुविधाओं की कमी का लोगों ने विरोध किया। फिलहाल घायलों का इलाज उधमपुर के अस्पताल में चल रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मकान में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद ये आग लगी और इस ब्लास्ट में 2 मकान बुरी तरह से झुलस गए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से दोनों मकानों में आग लगी और एक परिवार के 9 सदस्य बुरी तरह से झुलस गए। लेकिन उससे भी जो दर्दनाक बात ये रही कि इन लोगों को टाइम पर इलाज नहीं मिल पाया, क्योंकि वहाँ डॉक्टर और सुविधाओं की कमी थी और इनका इलाज नहीं हो पाया और एम्बुलेंस तक नहीं मिली और घायलों को एक निजी बस में उधमपुर के जिला अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर और सुविधाओं की कमी का लोगों ने विरोध किया। मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को नड्डा संबोधित करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोपहर करीब 12:30 बजे मध्य प्रदेश बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित करेंगे। बैठक में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और राज्य के सभी केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। शाम करीब 4:30 बजे नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हरियाणा बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक को भी संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गुजरात के सूरत की एक अदालत में आज पेश होंगे। 2019 में राहुल गांधी ने मोदी समुदाय पर विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद सूरत से बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने उन पर मानहानि का केस दर्ज कर दिया था।
उसी मामले में राहुल गांधी की आज कोर्ट में पेशी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे टॉय कैथॉन 2021 में हिस्सा लेने वालों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल कल्याण मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय ने जनवरी में टॉय कैथॉन 2021 को लॉन्च किया था, जिसका मकसद खिलौनों और गेम्स के लिए नए विचारों को बढ़ावा देना है। इसमें देश भर के करीब 1,20,000 लोगों ने हिस्सा लिया और 1,567 विचारों को ग्रैंड फिनाले के लिए चुना गया। न्यूजीलैंड ने पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया। फाइनल में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से हराकर ये इतिहास रचा। मैच के आखिरी दिन टीम इंडिया दूसरी पारी में सिर्फ 170 रन ही बना सकी। जवाब में न्यूजीलैंड ने 139 रन के लक्ष्य को 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। नवी मुंबई में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम रखने पर विवाद और बढ़ गया। शिवसेना एयरपोर्ट का नाम शिवाजी महाराज रखना चाहती है, जबकि कृति समिति ने एयरपोर्ट का नाम डीबी पाटिल के नाम पर रखने की मांग की है। इसके लिए कृति समिति से जुड़े लोगों ने एयरपोर्ट पर आंदोलन की तैयारी की है, जिसे देखते हुए वहां 5,000 से ज्यादा जवानों को तैनात किया गया है। हमने बंदोबस्त रखा है पूरा, उसमें लगभग 400 के करीब अधिकारी है और लगभग 4,000 के करीब हमारी पूरी कांस्टेबल्स पूरे रहने वाले है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में पुलिस ने गिरफ्तार किए गए नक्सलियों की निशानदेही पर जंगल से कारतूस, कुकर बम और कई किलो विस्फोटक और 10 लाख रुपए बरामद किए हैं। पुलिस ने 9 मई को लक्ष्मी और किशन नाम के दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया था, लेकिन कोरोना होने की वजह से पुलिस ने करीब 1.5 महीने बाद उनसे पूछताछ की। पंजाब के अमृतसर में कृषि सुधार कानूनों के विरोध में कुछ किसानों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने इस मुद्दे पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी और जम्मू कश्मीर अमृतसर हाईवे पर इकट्ठा होकर केंद्र सरकार के विरोध में पुतला जलाया। इस प्रदर्शन की वजह से हाईवे पर एक तरफ की सड़क पर जाम लग गया, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां पर डटे रहे। उन्होंने केंद्र सरकार से कृषि सुधार कानूनों को वापस लेने की मांग करते हुए नारे लगाए और इसके साथ ही लोगों ने पेट्रोल डीजल की बड़ी कीमतों का भी मुद्दा उठाया और ऐलान किया कि 26 जून को राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। उत्तराखंड में नदी किनारे बसे गांवों में रहने वाले लोगों पर रहने खाने का संकट मंडराने लगा। बारिश की वजह से वहां के कई जिलों में पहाड़ खिसकने की घटनाएं हो रही हैं और नदियां भी उफान पर हैं। पिछले कुछ दिनों से हालात और बिगड़ते जा रहे हैं और लगातार पहाड़ खिसकने की घटनाएं हो रही हैं। चमोली में तो बारिश ने ऐसी तबाही मचाई कि सड़कें टूट गईं, कई परिवार बेघर हो गए। सर से छत छिनी तो मजबूरन इन लोगों को खेतों में टेंट लगाकर रहना पड़ा, वो भी किराया देकर। इनका पूरा का पूरा मकान जो है वो पानी में बह गया और अब मजबूरी में इस तरीके से खेत में टेंट लगाकर पूरे परिवार के साथ रहने को मजबूर है। बर्बादी का हाल यह है कि इन परिवारों के पास अब अपना कहने को कुछ नहीं बचा। यही वजह रही कि अपनी परेशानी बताते हुए उनकी आंखें भराई। मकान न, मेरे जमीन है, जमीन में पूरी चले गई। सड़कें टूटी तो गांवों का शहरों से संपर्क भी टूट गया। नतीजा ये हुआ कि बीमार लोगों को इलाज तक नहीं मिला। रोड नहीं है, लैंड नहीं है, बीमार है और रोड नहीं है, कहां से ले जाओ। जब भी बारिश होती है तो चमोली जिले के इस गांव के पास बहने वाली पिंडर नदी तांडव मचाती है, इसलिए इन लोगों को यहां से दूसरी जगह विस्थापित करने के बारे में सोचा जा रहा है। जम्मू कश्मीर पर पीएम मोदी की अगुवाई में आज अहम बैठक होने जा रही है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों के 14 प्रतिनिधियों को बुलाया गया है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला समेत पीडीपी की महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद जैसे नेता शामिल हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर बीजेपी के निर्मल सिंह और पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह समेत लेफ्ट और पीपल कॉन्फ्रेंस के नेताओं को भी न्योता मिला है। आपको बता दें, ज्यादातर नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान के लाहौर में आतंकी हाफिज सईद के घर से महज 120 मीटर की दूरी पर इतना जोरदार धमाका हुआ कि 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 17 बुरी तरह जख्मी हो गए। बताया गया कि धमाके के वक्त हाफिज सईद घर में ही मौजूद था, लेकिन फिर भी वो बाल बाल बच गया। जबकि ब्लास्ट वाली जगह से जो तस्वीरें सामने आई उनमें हर तरफ भारी तबाही मची दिखी। धमाके से हुआ धुआं बर्बादी के सबूतों को ढकता नजर आया, लेकिन इसके बाद कैमरे में एक ऐसा मंजर रिकॉर्ड हुआ जिसे देखकर रूह कांप उठी। धमाके में लहूलुहान हुआ एक आदमी सड़क किनारे दर्द से तड़पता दिखा। ओ भाई की मदद करो। जिस मकान में धमाका हुआ उसकी चहारदीवारी तो ऐसी जर्जर हो गई कि ईंटें दीवारों से निकलकर सड़क पर आ गईं और मकान के अंदर मलबा ही मलबा पड़ा दिखा। वहीं खड़ी लाखों की गाड़ियों का भी कचूमर निकला नजर आया। कांच के टुकड़े सड़क पर बेतरतीब बिखरे दिखे।
पास लगे पेड़ों के पत्तों के बीच चीथड़े उड़ गए। तस्वीरें देखकर ऐसा लगा जैसे कोई जोरदार तूफान लाहौर के जौहर टाउन से गुजरा हो। हाल ये हो गया कि जो इलाका लोगों से आबाद रहा करता था वो उजाड़ नजर आने लगा। हर तरफ मातम की चीखें सुनाई देने लगी। धमाके की जानकारी मिलते ही पाकिस्तान की सेना और बड़े अधिकारी हादसे वाली जगह पर पहुंच गए और इलाके को सील कर दिया गया। मीडिया को तो आगे बढ़ने से रोक ही दिया गया ताकि धमाके का सच दुनिया के सामने ना आने पाए। हैरानी की बात यह है कि ब्लास्ट की जांच शुरू तक नहीं हुई थी कि पाकिस्तान के अधिकारियों ने उससे पहले ही इसे सिलेंडर में हुआ धमाका बताना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी पोल पट्टी खुद लाहौर के चश्मदीदों ने ही खुलकर रख दी। मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, मैंने अपनी आंखों से कुछ चुटला नहीं सकती। ये जो मर्दी के गैस सिलेंडर दिखाए वहाँ पे गैस सिलेंडर कौन सा पड़ा है। इस महिला ने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि धमाका एक सोची समझी साजिश था जिसकी जानकारी खुद पुलिस को भी थी। किसी ने मोटरसाइकिल को नहीं देखा, हम जब हम इधर से इंटर हुए इधर से मोटरसाइकिल फटी है। ऐसे में जब काफी हंगामा हो गया तो लाहौर पुलिस ने भी आखिरकार मान लिया कि हाफिज सईद के घर के पास हुआ धमाका एक आतंकी साजिश थी। और सूत्रों से आ रही खबरों के मुताबिक इसके पीछे पाकिस्तानी सेना का हाथ भी हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं चाहता कि अमेरिका फिर से ओसामा बिन लादेन के लिए किए गए ऑपरेशन की तरह हाफिज सईद के लिए भी कोई ऑपरेशन करे। सूत्रों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों की लिस्ट में शामिल हाफिज सईद के खिलाफ अमेरिका आने वाले कुछ महीनों में ऐसा ऑपरेशन कर सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए हाफिज सईद अब किसी काम का नहीं बचा है, बल्कि तालिबान और जैश ए मोहम्मद की अहमियत पाकिस्तान के लिए बढ़ गई है और उसकी सुरक्षा पर होने वाला खर्च और दुनिया भर में होने वाली बेइज्जती से पाकिस्तान की मुश्किलें ही बढ़ रही हैं। इतना ही नहीं, इस हमले के पीछे पाकिस्तान की सेना के होने के कशक की कुछ अहम वजह भी है। मसलन मोटरसाइकिल हमले वाली जगह पर होने की रिपोर्ट देने के बावजूद भी वक्त रहते कोई कदम नहीं उठाया गया। यहां तक कि ऐसे मामलों में इलाके की सुरक्षा बढ़ाने जैसी मूल सावधानी तक नहीं बरती गई, जबकि हमले वाली जगह पुलिस स्टेशन से बेहद करीब है। और वहां हुआ धमाका इतना जोरदार था कि सिर्फ हादसे का शिकार हुआ मकान ही नहीं बल्कि उसके आसपास के मकान तक बुरी तरह दहल उठे। उनका नक्शा ऐसा बिगड़ा कि ये बता पाना भी मुमकिन नहीं था कि वहां कौन सी चीज कहां थी। लकड़ी के दरवाजे उखड़कर फर्श पर गिर गए। धमाके की वजह से हुआ गंदा पानी बालकनी में बहता दिखा। खबर ये भी आई कि हाफिज सईद का एक सिक्योरिटी गार्ड भी हमले में मारा गया जबकि एक घायल हो गया, लेकिन हाफिज सईद बच निकला। दुनिया से इस हमले की बात छुपाने के लिए पाकिस्तान के पास वजह भी है। सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान के सिर पर लटक रही FATF की तलवार है, क्योंकि 3 दिन से FATF की वर्चुअल मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग के एजेंडे में पाकिस्तान का नाम भी है। मीटिंग में यह तय होगा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखा जाए या इससे बाहर कर दिया जाए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है जो ये तय करती है कि पैसे से जुड़े अपराधों को बढ़ावा देने वाले देशों पर कैसे लगाम लगा कसी जाए। FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान 3 साल से, जिसका मतलब यह है कि दुनिया भर की कंपनियां, एजेंसियां और संस्थाएं पाकिस्तान में निवेश करने से परहेज करती हैं। FATF ने पहले पाकिस्तान में आतंकी को होने वाली फंडिंग रोकने के लिए कहा था और 17 बिंदुओं पर काम करने की नसीहत दी, और अब चल रही बैठक में यह देखा जाना है कि पाकिस्तान ने टेरर फंडिंग रोकने के लिए कोई काम किया या नहीं। इस बैठक का नतीजा 25 जून को आने वाला है, लेकिन इस धमाके की खबर उस बैठक के नतीजों पर असर डाल सकती है। मध्य प्रदेश के रीवा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां मंदिर में शादी करने के बाद दुल्हन को विदा करवाकर ले जा रहे दूल्हे की पिटाई कर दी गई। दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी, जिससे लड़के के घर वाले नाराज थे। ऐसे में जब उन्हें लड़के के मंदिर में शादी करने की खबर मिली तो वो भी वहां आधम के फेरे लेने के बाद लड़का दुल्हन के साथ स्कूटर से जाने लगा। तभी उसके भाई और उसके साथियों ने उन्हें घेर लिया। दूल्हे को स्कूटर से उतार कर उसकी जमकर पिटाई की गई। बताया गया इस दौरान दुल्हन के साथ भी हाथापाई की गई। देखो मार रहे हैं, देखना अभी। वीडियो में एक आदमी उसके साथ धक्का मुक्की करता दिखाई दिया। पति जब उसे छुड़ाने पहुंचा तो उसे भी घेर लिया गया। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा और बाद में दूल्हा और दुल्हन ने पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज करवाई। साथ वो नाखुश थे उसकी इस तरह की शादी से, तो उन्होंने अपने भाई के साथ मारपीट की थी। हालांकि पुलिस ने दुल्हन के साथ मारपीट किए जाने की खबर को खारिज कर दिया। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट देश के 8 राज्यों में फैल चुका है। न्यूज 18 के रवि सिंह की रिपोर्ट है कि देश भर में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 40 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं और 8 राज्यों में कोरोना का ये खतरनाक रूप अपने पैर पसार चुका है। महाराष्ट्र में इस वेरिएंट के सबसे ज्यादा 21 मरीज सामने आ चुके हैं।
जबकि मध्य प्रदेश में 6 और केरल में 3 मरीजों में इस वेरिएंट का पता चल चुका है। इसके अलावा पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू और आंध्र प्रदेश में एक एक मरीज में कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया। डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीजों की तादाद बढ़ने पर केंद्र ने सभी राज्यों को सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए। राजस्थान के निर्दलीय विधायकों के भी 2 गुटों में बंटने के संकेत हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक कहे जाने वाले निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा के पायलट पर दिए बयान पर घमासान चिढ़ गया। उन्होंने सचिन पायलट पर न सिर्फ गहलोत सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया बल्कि उन्हें बाहरी तक बोल दिया। राजस्थान में उनका कोई उपयोग नहीं है, उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव हो रहा है, मेरी सलाह है उनको उत्तर प्रदेश में उनका उपयोग किया जाए। जिसका जवाब देने पायलट गुट के विधायक सामने आए। इनको किसने पावर दिया? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। दिव्यांग निशानेबाज दिलराज कौर इन दिनों देहरादून में चिप्स और नमकीन बेचकर अपने परिवार का गुजारा चलाने को मजबूर हैं। हाल ही में उनके पिता और भाई की इलाज के बाद मौत हो गई। उनके इलाज में काफी पैसा खर्च हुआ जिससे उनके परिवार पर काफी आर्थिक संकट आ गया। आपने मुझे नौकरी दी होती या जो मैं सम्मान डिजर्व करती हूँ वो मुझे दिया होता तो आज नौबत न आती। मुंबई क्राइम ब्रांच ने 248 लीटर मिलावटी दूध पकड़ने का दावा किया। साथ ही इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने पुणे में कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। वो जल्द ही ओलंपिक खेलों के लिए टोक्यो रवाना होने वाली हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में गंडक नदी के बाद अब बूंदी गंडक नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। नेपाल से छोड़े गए पानी और लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इसकी वजह से जिले के कई गांव में बाढ़ आ गई है। गांव में कमर तक पानी भर गया है, रास्तों पर नदी के पानी का कब्जा हो गया है और तटबंध टूट गए हैं। सड़कें पूरी तरह से डूब चुकी हैं और अब वहां नाव चल रही हैं। बाढ़ की वजह से कई गांव का संपर्क शहरों से टूट गया है और लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको कि किस तरह से लोग नाव का सहारा लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। इतना ही नहीं, गांव के बाद अब शहरी इलाकों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि प्रशासन का दावा है कि वो नदी के बढ़ते जलस्तर पर नजर बनाए हुए है और बाढ़ प्रभावित लोगों की हर मुमकिन मदद कर रही है। गंडक नदी के बाद बूढ़ी गंडक में भी अब बाढ़ का दबाव बढ़ गया है। अभी हम खड़े हैं बूढ़ी गंडक नदी के इस अखाड़ा घाट में और देखिए अखाड़ा घाट ब्रिज है और ये जो उसके पाए हैं ये दिखाते हैं कि अब नदी का जो जलस्तर है वह खतरे के निशान के बहुत करीब आ गया है। और उसके अलावा आप दूर देख सकते हैं कि कुछ झोपड़ियाँ जो है वो खतरे के चपेट में आ गई है, उसमें पानी घुस गया है। जरा दूसरी तरफ भी दिखाएंगे कि इस नदी के दूसरी पार जो वो बासिंदे लोग बसे हुए हैं, जो झोपड़ियां हैं वहाँ जो बस्ती है उस पर भी बाढ़ का खतरा है, वहाँ भी पानी प्रवेश करने लगा है। इसके अलावे मीनापुर क्षेत्र में भी बूढ़ी गंडक का पानी लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। कई गांवों में पानी घुस गया है और उसका प्रखंड मुख्यालय से संपर्क कट गया है, नाव के सहारे ही जिंदगी कट रही है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम और हुगली में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी का दामन थाम लिया। बताया गया कि ये सभी लोग विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन बीजेपी में शामिल होने को अपनी गलती बताते हुए सभी लोग टीएमसी में लौट गए। टीएमसी में शामिल होने से पहले कुछ लोगों ने तुलसी और धान के पौधों को हाथ में लेकर शपथ भी ली। दावा किया गया कि बीरभूम में 4000 से ज्यादा कार्यकर्ता बीजेपी को छोड़कर टीएमसी में शामिल हुए। बीजेपी एक सांप्रदायिक दल, बीजेपी को पश्चिम बंगला नेतृत्व नहीं। हुगली में भी टीएमसी सांसद अपरूपा पोद्दार की अगुवाई में कई लोगों ने टीएमसी का दामन थामा। उनमें कुछ लोगों ने चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल होने को अपनी गलती बताया और सिर मुंडवाकर प्रायश्चित किया। टीएमसी ज्वाइन करछी, बीजेपी ते आज जीवन जाबो नहीं। टीएमसी ने दावा किया कि हुगली में भी उसने सैकड़ों लोगों को बीजेपी से टीएमसी में शामिल करवाया। राजस्थान के राजसमंद से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां गांव वालों ने वन विभाग की मदद से एक तेंदुए को पकड़ लिया। बताया गया कि इस इलाके में तेंदुओं का काफी आतंक है और 3 दिन पहले ही वहां एक तेंदुआ पकड़ा गया था। इसी कड़ी में इस तेंदुए को भी वन विभाग ने पकड़ लिया। सामने आई तस्वीरों में कुछ लोग तेंदुए को लाठी के जरिए काबू करते दिखाई दिए। बताया गया कि वहां तेंदुए के दिखते ही गांव वालों ने वन विभाग को जानकारी दी, जिसके बाद किसी तरह इसे पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद इस भारी भरकम तेंदुए को पिंजरे में डाल दिया गया।
हालांकि तेंदुए को पकड़ने के लिए काफी मशक्कत भी करनी पड़ी, लेकिन बाद में किसी तरह उसे काबू कर पिंजरे में रख दिया गया। 17 जून को बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर पार्सल में हुए ब्लास्ट केस की जांच का दायरा बढ़ गया और इस केस से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां सामने आई। न्यूज 18 के चंद्रमोहन कुमार की रिपोर्ट है कि उस पार्सल पर जो मोबाइल नंबर लिखा था वो यूपी के शामली के रहने वाले एक आदमी का बताया जा रहा है, जिसकी जांच यूपी एटीएस ने शुरू की तो पता चला कि इस नंबर से कई बार विदेशों में बात की गई, जिनके आधार पर इस ब्लास्ट के पीछे आईएसआई की साजिश होने का शक जताया जा रहा है। उधर इसी मामले में तेलंगाना एटीएस ने 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया, जिनकी निशानदेही पर इस केस की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा खबर है कि दरभंगा जीआरपी को भी रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज से एक संदिग्ध लड़के की जानकारी हाथ लगी, जो घटना के वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मौजूद था और करीब 10 मिनट तक उसने फोन पर किसी से बात की, जिसकी तफ्तीश एजेंसियों ने शुरू की तो उनका शक इस संदिग्ध लड़के पर गहराया, जिसकी तलाश जारी है। जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम भी इस पूरे मामले की जांच के लिए इस दरभंगा स्टेशन पर पहुंच सकती है कि जो ये शख्स है इसकी कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत है। आज की ताजा खबर में इतना ही।